एक हम वो शुरू कर रहे थे, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। स्ट्रिंग्स पर आप देख चुके हैं किस तरह से नोट्स एंटी नोट्स बनते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहाँ भी वैसे ही होता है कि जैसे मान लो आपका एयर क्या होता है, ग्लास ट्यूब्स होती हैं बस, ठीक है ना, और इसमें बस एयर होती है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इनको हम ऑर्गन पाइप बोलते हैं। दो तरह के हम डील करेंगे, एक में एक एंड पर क्लोज है और नेक्स्ट हम डील करेंगे जो दोनों एंड से ओपन होगा, ठीक है ना। तो ओपन एंड पर क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स फ्री टू वाइब्रेट है, फ्री टू ऑसिलेट है, बट आपका जो फिक्स्ड एंड है वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर वही आपका पाई का फेज डिफरेंस अगर होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बन जाएगा नोड बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके वो डिस्प्लेस थोड़ी नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स फ्री टू ऑसिलेट नहीं है जैसे कि ओपन एंड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर से जब वेव आएगी, यहाँ से जाएगी, फिर वापस यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कैसे होगी, मीडियम कैसे अलग हो गया, दोनों जगह एयर ही तो है, ठीक है। बट वो हम नहीं समझ सकते, वो अकाउस्टिक इम्पिडेंस कोई चीज़ होती है जो इनकी दोनों की डिफरेंट निकल के आती है, तो हमारे कोर्स में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बट स्टिल आपका ये वाला मीडियम जो अंदर है, क्योंकि अंदर ये बाउंड हो जाती है, ठीक है ना, और बाहर जो फ्री एयर है ये मीडियम, दोनों अलग अलग मीडियम है, दोनों एयर है, बट स्टिल दिस इज दे आर डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है ना। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि ये फ्री टू ऑसिलेट है, तो इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का नोड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने स्ट्रिंग में देखा था कि आप यहाँ पर कुछ भी ऑसिलेट करेंगे तो साउंड वेव चलेगी अंदर, तो जैसे वहाँ स्ट्रिंग में हो रहा था, ठीक है ना, कि बहुत सारी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज थी, तो वैसे ही हम बोलते हैं कि ये जो एयर कॉलम है इसकी बहुत सारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो पेंडुलम की हमने निकाली थी SHM में 2π√L/g टाइम पीरियड से जो फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, इन सबकी यूनिक नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होती है, ठीक है। बट स्ट्रिंग के केस में और एक इस तरह की जो एयर कॉलम्स हैं इनमें जो स्टैंडिंग वेव्स चलेंगी वो किसी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो सकती है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी होगी, ठीक है ना। तो हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकती है। सबसे पहली क्या है कि यहाँ पर एक आपका नोड बन जाए और यहाँ पर एंटी नोड बन जाए, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, नोड और एंटी नोड की होती है λ/4 होती है। तो यहाँ से आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, फिर आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है स्टैंडिंग वेव की, तो आप क्या बोलेंगे, v/λ। तो वी कितना आ गया आपका, जो भी इसमें स्पीड होगी साउंड की एयर में, ठीक है, कितना आ जाएगा, v/4L आ जाएगा। इसी तरह बढ़ाते चलेंगे, बीच में एक नोड आ गया, ठीक है, तो फिर से एल कितना हो गया, 3λ/4। बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं। बट ये क्या है, एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वहां पर आपकी वो ट्रांसवर्स वेव थी, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी एयर कॉलम में या ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स हैं। तो कौन कौन से मोड पॉसिबल है, तो फिर अगेन वही बात कि जो मैंने आपको वहां भी बोली थी, अगर आपने यहाँ से ट्यूनिंग फॉर्क लगाया तो ये हमेशा एयर कॉलम ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी से ही ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलेंगी वो हमेशा इसी फ्रिक्वेंसी की होंगी, क्योंकि अभी नेचुरल वाली नहीं है कि आपने डिस्टर्ब किया, जैसे यहाँ पर आपने सोर्स लगाया, ठीक है ना। तो हमेशा सिस्टम सोर्स अगर लग रहा है तो फिर उसी फ्रिक्वेंसी की वेव चलती है उसमें। बट अगर ये फ्रिक्वेंसी इसकी ट्यूनिंग फॉर्क की इनमें से किसी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएंगी, ठीक है ना, अगर आपकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी इनमें की इनकी किसी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी किसी भी मोड से मैच करेंगी, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, आपको आवाज़ बहुत तेज सुनाई देगी, ठीक है, क्लियर है। उसका हम एक्सपेरिमेंट भी होता है स्कूल में, करते भी थे कभी, आपके स्कूल में भी होता होगा 11th क्लास में, ठीक है ना, कि रेजोनेंस अभी करेंगे हम, यहाँ पे भी करेंगे रेजोनेंस ट्यूब वाला, ठीक है। तो वो रेजोनेंस ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट में यही होता है कि हमको बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है जब इसकी फ्रिक्वेंसी किसी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही हो। मान लो इसकी जगह कौन कौन सी पॉसिबल है, एक बार देखना आप जरा। दूसरी क्या है, आपका एक नोड आ गया तो कितना हो गया, 3λ/4λ आएगा। तो ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही है कितनी आ रही है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली 3
टाइम्स ऑफ एफ नॉट आ रही है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सेकंड हार्मोनिक बोल सकता हूँ क्या ध्रुव, बताइए कौन सी हार्मोनिक बोलूँ मैं इसको, कौन सी हार्मोनिक बोलूँ इसको, ये आपकी। थर्ड वेरी गुड। और ओवरटोन कौन सा होगा, थर्ड हार्मोनिक और ओवरटोन। हाँ ओवरटोन वही रहता है, बस इतना क्वेश्चन कर दोगे आप जो है, ठीक है ना, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, नेक्स्ट वाला कितना आ रहा है देखो, अब ये 5 टाइम्स आ रही है नेचुरल की, वही तरीका वही है, आप एक बनाते जाओगे तो वही है, एक तरह एक एंड पर क्लोज जो स्ट्रिंग होती है उसका केस हो गया, तो उसमें बताइए आपको केवल ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा, ये इस तरह का, ये जहाँ से डायग्राम बिल्कुल क्लोज रख के बनता है इसका जो शेप बनानी होती है, ठीक है ना, स्कूल में भी आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, ये सेकेंड ओवर टोन में, तो आपको ऐसे ड्रॉ करके बताना पड़ सकता है एयर कॉलम, तो आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे इस, ये सही है, इसमें मैंने थोड़ा दूर कर दिया, बिल्कुल पास करके ड्रॉ करना है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एंटी नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका फिफ्थ हार्मोनिक हो गया, ठीक है, एंड और कौन सा ओवरटोन, ओवरटोन हमेशा वही रहता है सेकेंड ओवरटोन, तो जैसे आपका एक एंड पर क्लोज स्ट्रिंग थी उसमें आपके ऑड हार्मोनिक्स ही होते थे, इवन मिसिंग होते थे, तो उसी तरह एक एंड पर जो क्लोज है, एक एंड पर क्लोज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप बोलेंगे, दो होते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप और दूसरा दोनों तरफ से होता है, ठीक है, तो इन ऑर्गन पाइप में केवल क्या होती है, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो जिस तरह वहां प्रॉब्लम करी थी वैसे कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी करेंगे, वही इंटीजर्स का खेल है वो, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम उसी तरह की होती है इसमें, तो मैं